हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत कर रहा हूं मैं के सिन्हा, लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर और सक्सेस ट्रेनर आप सबका। आज एक जबरदस्त टॉपिक के ऊपर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। काफी सारे लोग आपको बोलते हैं ना, जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं कि हम तो अपने काम में व्यस्त है, हमें फुर्सत नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस MLM बिजनेस हम कर नहीं पा रहे हैं। उन सब को कैसे आपको प्लान के अंदर क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी तकनीक, क्या सा फॉर्मूला बताना है ताकि वो लोग भी काम करने के लिए राजी हो जाए, आपका बिजनेस ग्रोथ करे। जी हाँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, देखते ही यार लाइक ठोक देना यार, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इस चैनल का उत्साह बढ़ता है आप जब लाइक करते हैं, इसको अपने पूरे टीम में आप जरूर शेयर करिएगा। आपका भी अगर कुछ टॉपिक है तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे जो दोनों बुक्स नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाया धूम, आप अमीर बनना चाहते हैं, वो नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करने के लिए जो स्किल चाहिए आपके अंदर, वो अगर कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप आराम से घर बैठे ये कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ मिलते हैं या फिर किसी को ज्वाइन करवा लिया और वो बोलता है कि भैया अभी तो टाइम नहीं है, मैं अपने काम में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, इसलिए मैं ये बिजनेस कर नहीं पा रहा हूँ, आपको तभी उसके साथ बैठना है। या फिर आप जब नया प्लान शो कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखिए कि उसको किस तकनीक से उसको समझाना है। जो प्रोस्पेक्ट है उसके बिहेवियर को समझो, साइकोलॉजी को समझो, वो क्या बोलना चाह रहा है। क्या वो ये तो नहीं बोल रहा जब आप प्लान दिखा रहे हो या फिर बता रहे हो कि उसके पास टाइम नहीं है, वो अपने काम में व्यस्त है, तभी आपको यही दिखाना है। आप एक पेन और पेपर को लेकर बैठिए और उससे पूछिए कि आप क्या करते हैं। मान लेते हैं आप जिस प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं वो या फिर जॉब करता है या फिर कोई बिजनेस, छोटा मोटा बिजनेस वो करता है, ठीक है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है, छोटा मोटा कोई दुकानदार है या कुछ भी करता है, या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, जिसको आप ये प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं। अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये बंदा आ जाए तो मेरा बिजनेस फाड़ देगा, तो अगर ऐसा है तो यही बताना है आपको ताकि वो आए और फाड़ डाले, ठीक है। फिर आप उससे पूछिए आपके पिताजी क्या करते हैं या फिर क्या करते थे, तो वो बोलेगा मेरे पिताजी भी कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर उनका कुछ है, बिजनेस भी करते होंगे, कुछ भी हो सकता है करते होंगे। फिर आप उनसे पूछिए कि आपके ग्रैंडफादर वो क्या करते थे, वो बोलेगा कि मेरे ग्रैंडफादर कुछ भी बोलेगा, वो बोलेगा कि वो फार्मर थे, मतलब खेतीबाड़ी वो करते थे, या फिर वो जॉब करते थे, या फिर वो उनका एक छोटा सा ठेला था, दुकान था, कुछ भी था, कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ भी वो बोलेगा। अभी आप उससे पूछिएगा, जब ये बोलेगा पहले उससे क्लियर करवाइए कि उसका पिताजी और उसके जो दादाजी वो क्या करते थे और उनका जो अभी का लाइफस्टाइल है वो कैसा है, वो आप देखिए और फिर पूछिए आपके हिसाब से आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए। क्या आपके पास ज्यादा पैसा हो वो आप नहीं चाहते, वो बोलेगा वो तो चाहता हूं। क्या आप जिंदगी में सफल इंसान बनना नहीं चाहते, वो बोलता है बोलेगा चाहता हूं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा हो, आप जो चाहे वो खरीद सके, वो बोलेगा वो तो मैं चाहता हूं, इसलिए तो मैं काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो आप उससे बोल सकते हैं कि आपके पिताजी ने जो अपने करियर में 60 साल जो लगा दिए, जो बिजनेस करते थे, जॉब करते थे, क्या उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, तो बोलेगा हाँ सोचा होगा। क्या उन्होंने कभी अपने लिए वो ट्राई नहीं किया था कि मैं भी सफल बनूं, मैं भी सक्सेसफुल इंसान बनूं, मेरे पास भी बहुत सारे पैसे हो, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था क्या, तो बोलेगा वो तो सोचा था। फिर उनसे और आगे पूछे कि आपके जो दादाजी हैं, क्या उन्होंने जो बिजनेस किया है, जो कुछ भी किया है अपने लाइफ में, कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि अमीर बनना है, कभी उन्होंने नहीं सोचा था कि उनको अच्छा एक लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस ये सब चाहिए, कभी उन्होंने क्या नहीं सोचा था क्या, तो बोलेगा कि सोचा तो होगा, अगर सोचा होगा तो कर क्यों नहीं पाए, क्वेश्चन मार्क वहां पर, व्हाई, वो क्यों नहीं कर पाए, आपके पिताजी और आपके दादाजी क्यों नहीं कर पाए, क्या आपने ये कभी सोचा है, तो बोले वो तो कभी नहीं सोचा। 60 साल अपने करियर में उन्होंने ट्राई किया होगा सक्सेस बनने के लिए, सफल बनने के लिए, पैसा वाला बनने के लिए, अमीर बनने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए, पीछे का कारण कभी आपने सोचा है, बोलेगा नहीं सोचा। तो आपको क्या लगता है, आप जो कर रहे हैं अभी काम, जॉब कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से आप जो लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बहुत ज्यादा जो चाहते हैं, आपके अंदर जो ब्रेन में जो सारे सपने हैं, आपके मन में जितने सारे सपने आप उसको पूरा करना चाहते हैं, क्या वो इससे आप पूरा कर सकते हैं, वो बोलेगा
कोशिश तो कर रहा हूं। फिर से कोशिश आपके दादाजी और पिताजी ने नहीं की थी क्या? वो बोले हाँ की थी। शंका उसके मन में जगेगा, मैं जो कर रहा हूं उससे शायद पूरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, वो आपको बताना है। आपके दादाजी और पिताजी ने चेंज, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए बहुत ट्राई की होगी लेकिन कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कभी अपॉर्चुनिटीज को देखा नहीं है, उन लोगों को कभी अपॉर्चुनिटी मिला नहीं है। आज मैं जो बिजनेस आपके लिए लाया हूं वही एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने करियर में अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप जैसा लाइफस्टाइल, जैसा ड्रीम चाहते हैं वो सब आप इस बिजनेस से पूरा कर सकते हैं। आपके पिताजी और आपके दादाजी ने जो गलती की है वो आप मत दोहराइए, वो आप मत दोहराइए, आपको यही बोलना है। उसके मन में एक डर पैदा हो जाएगा, डर पैदा हो जाएगा कि ये बात तो सही है, ट्राई तो बहुत किया होगा लेकिन वो लग्जरियस लाइफस्टाइल उनको मिला नहीं होगा। वही आपके मन में अभी जगाना है उसको कि आपको जबरदस्त और बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं। फिर भी आप इतना सब कुछ बोलेंगे, फिर भी बोलेगा नहीं मैं जो कर रहा हूं उसमें अगर मैं ज्यादा मेहनत करूं, ये करूं, वो करूं तो मेरा हो जाएगा, ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तभी आपको करना क्या, ये क्या क्वेश्चन आपका है? नहीं है तो क्वेश्चन जरूर बताएगा, आप क्या क्वेश्चन करना चाहते हो जरूर बताएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आप कर रहे हैं या फिर आपका प्रोस्पेक्ट कर रहा है, आपका जो डाउनलाइन वो अगर ऐसा कर रहा है, ऐसा सोच रहा है, तो आपको तभी क्या करना है, आपको उनको यही बताना है कि मेरे पास स्कोप है, जबरदस्त स्कोप। उसका और ज्यादा क्लियर करने के लिए आपको यही बोलना है, क्या आप जो कर रहे हैं उससे बहुत सारा पैसा आप अर्न कर सकते हैं क्या? बहुत सारा पैसा क्या आप अर्न कर सकते हैं? आपकी लग्जरियस लाइफस्टाइल क्या हो सकता है? गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, आप जिसको जितना चाहे वो दे सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क लगाइए, उससे पूछिए। फिर उससे पूछिए, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, हजार लोग क्या आपको पहचानेंगे आप जो कर रहे हैं? आपके लिए हजार लोग क्या ताली आपको बजाएंगे, आपको बुक्के देंगे क्या? तो बोलेगा वो तो नहीं देंगे। क्या आप जो कर रहे हैं उससे यहां से 50 किलोमीटर दूर के लोग आपको पहचानेंगे? बोलेगा वो तो नहीं पहचानेंगे। मैं जो कर रहा हूं सिर्फ मेरे फैमिली के लोग ही या फिर मेरे थोड़े बहुत रिश्तेदार ही पहचानेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं पहचानने वाला। सच है, दिस इज द ट्रूथ, सच मैं बता रहा हूं आपको, यही प्रोस्पेक्ट के ब्रेन से यही क्लियर करना है। फिर आप उसको बोलिए, क्या आप जो कर रहे हैं उससे फ्री में आप ट्रेवल कर सकते हैं? आप लग्जरियस होटल्स में, 5-star होटल्स में रह सकते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया आप फॉरेन टूर के लिए जा सकते हैं फ्री में? तो बोलेगा वो तो नहीं, ऐसा अगर ट्रेवल करना हो पैकेज लेना पड़ेगा, मुझे अपना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो बोलेगा। फिर आप उससे पूछिए पॉइंट नंबर 4, क्या आप जो कर रहे हैं उससे आज से 5 साल बाद, यानी कि आप 5 साल, आप 8 से 10 घंटा आप काम कर रहे हैं, 5 साल बाद आपको 2-1 घंटा काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने फैमिली मेंबर्स को आप टाइम दे पाएंगे, अपने रिलेटिव्स को टाइम दे पाएंगे, आपके पास बहुत अच्छा पैसा होगा, आपके पास बहुत अच्छा टाइम होगा, आप इधर उधर जहां जी चाहे आप जा सकते हैं। क्या आप जो कर रहे हैं उससे ये सब संभव है? तो बोलेगा नहीं है। फिर आप बोलिए पॉइंट नंबर 5, क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो वर्ल्ड के किसी कंट्री में या फिर इंडिया के किसी भी स्टेट से आप कर सकते हैं क्या? फ्लेक्सिबल है क्या आपका, आपका बिजनेस फ्लेक्सिबल है? आप जो जॉब कर रहे हैं क्या वो फ्लेक्सिबल है? आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं? या तो आप भारत में रहे या फिर किसी और कंट्री में रहे या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहां चाहे वो जाकर आप कर सकते हैं। तो बोलेगा नहीं, मैं सिर्फ अपने शहर में ही रहकर कर सकता हूं, अपने घर से रहकर कर सकता हूं, है कि नहीं? वो ऐसा बोलेगा। फिर आप उससे पूछिए, क्या आप जो कर रहे हैं उससे आप 1000 लोगों को हेल्प कर सकते हैं क्या? उन लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं क्या? उन लोगों के फैमिली को आप चला सकते हैं क्या? तो बोलेगा नहीं, अगर नहीं कर सकते, मेरे पास वो बिजनेस है जहां पर आप मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट में या फिर बिना इन्वेस्टमेंट के आपके पास बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है, आपके सारे ड्रीम, सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। पैसा आएगा तो आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। यहां पर वो अपॉर्चुनिटीज है जहां पर आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। जी हाँ, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको 1000 लोग, सैकड़ों लोग आपको जानेंगे, आपके यूट्यूब में आपके वीडियोस आएंगे, आपके लिए सैकड़ों लोग ताली मारेंगे, आपको गिफ्ट प्रेजेंट करेंगे, आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहेंगे। वो अपॉर्चुनिटीज यहां पर है जो आपके बिजनेस में, जो आपके जॉब में नहीं है। फिर उनसे बोलिए कि मेरे पास जो स्कोप है, जो अपॉर्चुनिटी है, उससे आप क्या करेंगे? अपने पैसों से नहीं, अपने पैसों से नहीं, इस बिजनेस के पैसों से, बिना आपका 1 रुपया इन्वेस्ट किए आप
पूरे देश में घूम सकते हैं, लग्जरियस लाइफस्टाइल आप जी सकते हैं, आप 5-स्टार होटल में रह सकते हैं, आप फॉरेन टूर के लिए जा सकते हैं, विदेश में घूमने के लिए जाएंगे, वो सब खर्चा ये बिजनेस पे करेगा, आपके पॉकेट से एक रुपया नहीं जाएगा। फिर आप बोले मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी है वहां पर आपको पहले 4-5 साल 6 साल आपको 7 से 8 घंटा हर रोज काम करना पड़ेगा, बट आफ्टर 5 to 6 years आपको करना क्या है, 1-2 घंटा काम करो और बाकी का पूरा टाइम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप बिताओ, आप जी चाहे जहां जा सकते हैं। फिर उससे बोलिएगा मेरे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि आप कहीं से भी, आप किसी भी सिटी से भी, आप किसी भी देश से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं, ये वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस है, या फिर ये पूरे इंडिया में किसी भी सिटी से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। फिर आप उससे बोलिए आप इस बिजनेस के जरिए आप सैकड़ों लोगों की मदद कर सकते हैं, सैकड़ों लोगों के घर में चूल्हा जलाने के लिए आप हेल्प कर सकते हैं, हजार सैकड़ों लोगों को आप जो है इनकम दे सकते हैं, इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर आप उससे बोलिए जो आप कर रहे हैं क्या उससे आपका पैसिव इनकम होगा क्या, पैसिव इनकम मतलब समझ रहे हैं रेकरिंग रेवेन्यू जिससे आता हो, एक बार काम करो बार बार पैसा पाओ, एक बार काम करो बार बार पैसा पाओ, क्या ये ऐसा होगा? बोलेगा नहीं, हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है उसमें वो पैसिव इनकम आपको मिलेगा, आपके घर बैठे आप कुछ टाइम काम करेंगे फिर आपको पैसिव इनकम मिलता रहेगा। फिर बोलिए जेनरेशन सिक्योरिटी इसमें मिलता है क्या, जेनरेशन सिक्योरिटी? जी हाँ, जेनरेशन सिक्योरिटी मतलब आप जो काम कर रहे हो वो अपने बेटे के लिए भी आप रख सकते हैं, आपके नाती के लिए भी आप रख सकते हैं, यार वो बिजनेस यही से उन लोगों को पैसा मिलेगा, वो लोग सिक्योर हो जाएंगे। आप अभी जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हो, किस लिए कर रहे हैं, पैसा क्यों जमा रहे हैं, ताकि आपका फैमिली भी अच्छे तरीके से चले और आपका आपके जो बच्चे आने वाले हैं या फिर है उन लोगों का लाइफ सिक्योर हो, यही वो बिजनेस है जहां से वो सब आपको मिलेगा। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आपके पिताजी और आपके दादाजी ने जो गलती की है वो भी आप कर देंगे अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। जब भी आप ऐसा बोलेंगे ना, आग जल जाएगा यार, आग जल जाएगा, आग जल जाएगा। क्या आपके मन में आग जल रहा है, आग लगा दिया हो वीडियो ने तो कॉमेंट करिए, आपका नेक्स्ट में क्या टॉपिक है वो भी मुझे बताइएगा, लाइक ठोक देना यार इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, पूरे टीम में इसको शेयर करिए, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, हर किसी के मन में आग जलाओ, इसको दिखा के आग जलाओ, आपके मन में क्या आग है वो जरूर बताएगा। मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट जरूर करिए, लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। मेरे दोनों बुक्स जो अभी तक नहीं पढ़ा, नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स में कैसे मचाया धूम, नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, Amazon और Flipkart में अवेलेबल है। साथ ही आप अमीर बनना चाहते उसको भी अगर नहीं पढ़ा ना, उसको भी पढ़ लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, Amazon और Flipkart में वो भी अवेलेबल है। जितने सारे लोगों ने रिव्यू दिया ना, रिव्यू को पढ़कर आप उसको खरीद लो यार, जिंदगी बदल जाएगी, आपका बिजनेस का ग्रोथ हो जाएगा। अभी तक इस चैनल में नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और दूसरे से भी करवाओ, ताकि सबके अंदर मोटिवेशन का आग मैं जला सकूं, सबके बिजनेस में मैं ग्रोथ लगा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त ट्रेनिंग वीडियो के साथ, नमस्कार एंड बाय बाय।